अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ईद मुबारक दोबारा से। ईद मुबारक दोबारा से। कैसी जा रही है आपकी ईद? कितनी ईदी जमा हुई? और आज ईद का आज जब मुझे कल ईदी मिली थी ना, जब ईद थ्री ड्रेस किए, जब ईद खत्म हो जाएगी ना तो बाबा मुझे वॉच दिलाएंगे। देखें, ये अभी से प्लानिंग चल रही है और अभी से प्लानिंग स्टार्ट हो गई है कि महावीर ने अपनी ईदी से क्या करना है और इसने ईदी से क्या करना है। महावीर की ईदी जो है वो ऑलमोस्ट 10,000 के करीब जमा हुई है। सही है। और अलमीर की ईदी जमा हुई है 26,000। तो आप लोग बताएं, आप लोगों की ईदी कितनी मिली थी? 50 रुपीज 100 रुपीज से ऊपर का नोट तो हमें मिलता ही नहीं था कभी। और मुझे तो ईद पे जब मैं मतलब मैट्रिक में भी चला गया था तो कोई 1800 रुपए जमा होते थे, जो दिन में 20 दफा गिनता था मैं। और अभी देखिए 26,000, साइज देखिए 10,000, और प्लानिंग भी कि स्मार्ट वॉच लेनी है और स्मार्ट वॉच 10,000 की, क्या बात है। अभी इतना भी रुपये नहीं गिरा कि भाई ये थाउजेंड में इनकी। क्या कह रहे हो आप? मेरी तो प्लान बन गई है कि मैं ईदी से वॉच लूंगा। महावीर की प्लानिंग हो गई है कि वो ईदी से वॉच लेंगे। देखें ये सुबह सुबह क्या चल रहा है यहाँ पे। फातिमा ये क्या है, ये व्हाट इज दिस? यार ये मेरे साथ मेरी आज की बहुत ही प्यारी टीम है, मेकअप आर्टिस्ट है हमारी मुस्कान फारिस, आप इनको इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत प्यारा मेकअप करती हैं। और ये SKZ हेयर के नाम से हैं, सेमीन और कश्यप जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं। देखिए ये समरीन नहीं है, ये सेमीन है। सेमीन आप हेलो बोल दें हमारे व्यूअर्स को। ईद मुबारक। तो मुस्कान मेरा फर्स्ट टाइम मेकअप कर रही है, लेकिन SKZ हेयर से मैंने पहले भी इवेंट्स पे बाल बनवाए हैं, दे मेक रियली गुड हेयर। तो यार तुम टिप्स दिलवा के तो तुम दुकान बंद करा दोगे दूसरों की। यहाँ ये तो वही बात होगी, मेरे रेस्टोरेंट में मैं लोगों को रेसिपीज बताने शुरू कर दूं। तो मगर रेसिपी बता भी दोगे तो उनके हाथ में वो वाली रेसिपी, वो वाली बात नहीं होगी जो सेमीन के हाथ में होगी। मैं देखिए सेमीन और कश्यप को कब से बाल बनाते हुए देख रही हूँ, लेकिन आज तक मैं उनके जैसे नहीं बाल बना पाई ना, क्योंकि बिल्कुल वो वाली हाथ की सफाई जो। और आप सारे टाइम मेरे साथ होती हैं, फॉरेस्ट जैसे खाना भी नहीं बना पाए, लेकिन आप उससे अच्छा खाना बनाती हैं। ओ ये दिखाए जरा, इतना अच्छा सेटअप यहाँ पे। एक यार ये एक वैसे मैं फर्स्ट मेकअप आर्टिस्ट इनमें लाइव जो इतनी क्या कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड, और इतना जिन्होंने बड़ा ही कोई अच्छा तरीके से सेटअप किया, ऐसा लग रहा है सारा सामान यहाँ छोड़ के चली जाएंगे। तीन लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ निकाल पाए मजे का। देखिए मेरे रिजल्ट सेमीन और कश्यप ने अच्छे अच्छे बाल बना लिए। उसके बाद जब उनको पता चला कि जी व्लॉग बन रहे हैं, उन्हें अपने बालों की टेंशन शुरू हो गई, कह रही हमारे बाल नहीं बने हुए। फिर वो कह रही मेरी ये वाली साइड अच्छी है तो इधर आ जाओ। तो बस अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग क्या शूट करेंगे और आज के दिन में हम लोग क्या करने वाले हैं। ईद का थर्ड डे है और आप लोगों के सर में भी, घर में भी, सब सर में भी, आप लोगों के घर में भी सब बहुत बिजी होंगे क्योंकि दावतें चल रही होंगी आजकल, सब मजे मजे खाने खा रहे होंगे। मैं जा रहा हूँ, आप मेरे भी बाल कर देंगे थोड़े से? मैं ब्लॉग में पूछना ताकि मना नहीं करता। नहीं, थोड़े से करने आपने, हाफ साइड कर दीजिएगा। तो गाइस लेकिन चले, मैं जा रहा हूँ अभी नमाज पढ़ने, क्योंकि भले रमजान खत्म हो गए हैं लेकिन आप उस रूटीन को जो है वो जारी रखें। सब लोग कोशिश करें कि रमजान में कोई एक अच्छी आदत जो आपने ऑप्ट की हो वो आप करते रहे। तो मेरी कोशिश है कि मैंने रमजान से पहले नमाज पढ़ते, लेकिन इतना ज्यादा वो नहीं होता ना कि अब क्या आप जिस तरह रमजान में आप 5 टाइम फॉलो करे होते हैं, नॉर्मल लाइफ में उतनी नहीं हो पाती, क्यों झूठ बोले। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि सुबह भी उठें और इस रूटीन को कंटिन्यू कर सकें। देखिए ये लड़ रहे हैं कि तुम बोलोगी, मैं नहीं बोलूंगी, मुझे शर्म आ रही है। अच्छा मैं रेडी हो गई हूँ, मेरे बाल आप देख सकते हैं। और जो फातिमा को फोटोग्राफर आया था वो नहीं आया, अभी हमने इमरजेंसी में एक फोटोग्राफर को बुलाया। हमारे जो बहुत अच्छे फैमिली डॉक्टर जैसे होते हैं वैसे फैमिली फोटोग्राफर हैं, दो जो हमारे साथ चलते रहते हैं, शाहिद है और एक है। तो शाहिद को हमने बोला शाहिद हमें आगे बचाओ। सेमीन और कश्यप ने मेरे बाल बनाए हैं। तो अब इनसे हम थोड़ी हेयर टिप्स लेते हैं कि ऐसे बाल आप कैसे बना सकते हैं। सब नहीं बताएंगे आपको ऑब्वियसली, उसके लिए आपके थोड़ा थोड़ा बताएंगे। सेमीन आप बताएं पहले।
सबसे पहले तो बाल स्टे कराने के लिए आपको बालों को टाई अप करना पड़ता है. आप पहले बाल बना लें, उसको टाई कर लें, और फिर उसके बाद जो है जब जाने के टाइम आप उसको ओपन कर लें तो सही होगा कि आपके बाल लॉन्ग टर्म स्टे करेंगे. तो आपके जिस तरह के मेरे आपने बाल बनाए उसके लिए अगर बन बनाना है या स्ट्रेट हेयर है उसके लिए क्या टिप्स हैं? बन बनाना है उसके लिए भी हम पहले मैसी बन होता है तो उसके लिए हम कर्ल्स करके फिर उसके बन कर देते हैं तो वो अच्छा लगता है ज्यादा. और बाकी और यही भी सोच रही हैं मुझे जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतनी आपको वालों में ना दिए सर. हां इनको भी मौका दें. ये वो खड़ी हुई से सोच रही थी कि मुझे मैं क्या बोलूंगी, मैं अपने टाइम में क्या बोलूंगी. वो देखिए मैंने पकड़ लिया एक्सप्रेशन से, वो मैंने देख लिया. अब बताएं ये है कि हमें क्लाइंट से बातें तो बहुत ज्यादा ये कहते हैं कि जो है ना हम हमारे बालों में कर्ल स्टे नहीं करते तो आप क्या कहते हैं, मतलब ये कि आपको फ्रेश वॉश हम इसलिए नहीं किया क्योंकि कर्ल्स जो है वो हमारे स्टे नहीं करेंगे. ये ज्यादातर लोग कहते हैं. इवन छोटे वालों में भी नहीं करता. मेरे को ये बोला था आपके बाल नहीं रुक रहे, आपने शैम्पू क्यों किया? ये कहते हैं कि जो है वो स्कैल्प फ्रेश वो नहाए नहीं होते तो वो बहाना ढूंढते हैं. तो ड्राई शैम्पू काम करता है इसके लिए? अगर आप शैम्पू भी कर सकते हैं लेकिन फ्रेश वॉश हम करते हैं क्योंकि स्कैल्प में ऑयल नहीं होना चाहिए. अगर आपके स्कैल्प में ऑयल होगा तो आपके जो बाल है उसमें कभी भी जो वॉल्यूम नहीं आता. यहाँ से स्कैल्प पे अगर आपके ऑयली होगा तो वो फ्लैट हो जाएगा, वो वॉल्यूम नहीं उठेगा. तो ये मस्ट है कि आपने हमेशा फ्रेश वॉश कर लें जब भी आपने हेयर डू करवाना है. ऐसा नहीं है कि आपने दो दिन पहले. आप इतना अच्छा बोलती है, ऐसी सोच रही थी आप तो रुकी नहीं रही है. जबरदस्त. तो आप कोई मेकअप टिप दे दें एक फ्री हमारे व्यूअर्स के लिए. पता चला है क्योंकि समीना और कश्यप तो मेरे पास आती रहती है. फर्स्ट टाइम मुस्कान आई है, इन्होंने मुझे बताया कि ये भाभी है इनकी. तो मुझे लगता है इन्होंने एक पैकेज डील की है के जी भाभी हम मेकअप आर्टिस्ट को बना लेते हैं, भाई को वो पसंद करा लेते हैं ताकि यू नो हेयर एंड मेकअप साथ हो जाया करे हमारा. ऐसा ही है. ये तो इनको पता नहीं. ये तो अब पता नहीं मेरे साथ धोखा हुआ है क्या हुआ है, लेकिन डील जो भी बनी है अच्छी बनी है. हाँ, ये टीम बहुत अच्छी. नहीं नहीं बहुत अच्छी टीम. टीम अच्छी है, नंदे अच्छी नहीं है. नंदे अच्छी होती है अगर अच्छी होना चाहिए. इतने की ताली दोनों हाथों से बजती है हमेशा. क्या तो मेकअप की आप टिप्स बताएं? पूछे तो अब आप इंटरव्यू ले रही हैं देखे तो प्रॉपर आप इंटरव्यू ले रही हैं कि स्किन को कैसे प्रेप करें मेकअप के लिए. प्रेप मस्ट है. अच्छे से प्रेप नहीं होगा आपकी स्किन अच्छे से एक्सफोलिएट नहीं हुआ होगा तो आपका फाउंडेशन जो है वो केकी लगेगा और हैवी लगेगा और समटाइम्स सेट ही. स्किन को फ्रेश रखने के लिए आपको तीन टिप्स बता दें अच्छी सी सस्ती और सस्ती 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 सस्ती. डेली क्लींजिंग टॉनिक मॉइस्चराइजर सस्ती है. कोई भी इसमें आप मिल्की क्लींजर यूज कर लें और टोनर करना है तो करना है लेकिन क्लींजिंग मस्ट. और ये बिफोर बिफोर गोइंग टू बेड ही होना चाहिए. हाँ वो ज्यादा अच्छा है उसी जब भी टाइम मिलता है. सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको दे रहा हूँ मुंह धो लो जाके. पाजीवे का क्या सीन है? मतलब मैं आ रही ये लोग पाजी गए. ये देखो जा रहे हैं लोग और बाय बाय हो रहे हैं. तो गाइस अभी फोटो शूट स्टार्ट हो गया क्योंकि हम बहुत लेट हो गए. शाम के 6 बज गए, लाइट भी चली गई है और हम लोगों को कहीं जाने का प्लान था फोटो शूट के लिए बट हम लोग घर पे ही कर रहे हैं. तो अब देखें कुछ फ्रेम रेम अगर अच्छा मिलता है तो शूट हो जाए. फातिमा जो है वो पॉन्ड के किनारे आके बैठ गई है. तो गाइस और वहां पे हमारा दोस्त टाइसन को दिखाएं. टाइसन को ये माय ब्यूरो एंड मीटर फ्रेंड है. टाइसन वांट्स टू मीट माय सन. टाइसन के साथ अभी मैं खेल रहा हूं. खेल रहे हो? बॉल बंद हो गया था. अरे टर्टल ये देखें. टर्टल और ये टर्टल देखें नहीं डूब जाए यार. अभी कुछ देखो शूट हो रहा है यार. और गाइस गाइस ये देखिए
पानी बहुत नीचे है। मैं भी टाइसन बुला रहा आपको, आ जाओ टाइसन, इधर चल लो आप। चलो नो चेंज करेंगे। हाँ इतनी कौन सेलेक्ट करेगा फिर, ये तो मुसीबत हो जाती है फिर। हाँ वाह जगह पे एक, एक परफेक्ट पिक्चर मिल जाए ना काफी है, एक परफेक्ट पिक्चर सब पे भारी। हाँ डन है, यहाँ पे हो गया, यहाँ की निकल आई, सब खड़े में ले ले। बाहर आई थी सही, मुझे ड्रेस की भेजनी। हाँ फुल सही आ गई, सही आ गई। हाँ की शर्ट पे बना हुआ है टाइगर, इस पे मैं रखो एक मिनट। मैं अलमीर से कहती अलमीर तू लाए ना, रोर अलमीर रोर। ये पकड़ना वाली मैं खिंचवा, ये देखना आप खिंचवाऊंगा पहले फिर आप खिंचवाओ, हम लोग सेम खिंचवाएंगे ठीक है। ये देखना माओ नो रोर लाए ना रोर। अलमीर आज ये जो अलमीर की शर्ट पे ये लाए ना टाइगर है, टाइगर है ना, टाइगर कैसे करता है, टाइगर कैसे करता है, भाभी टाइगर कैसे करता है, ऐसे करता है, चले टाइगर कैसे करता है। एक मिनट जब मैं पूछूंगा ना तब से, वन टू थ्री टाइगर कैसे करता है। हाँ अलमीर अब आप कुछ करवा लो, बिल्ली कैसे करती है, चलो अब दोनों साथ करो। ठीक है आप अग्नि यहाँ पे हाथ रखो, ये कैसे करो, कैसे करेंगे आप, ऐसे करो आप, ऐसे वेरी नाइस वेरी वेरी क्यूट, आप कैसे करोगे, चलो रेडी थोड़ा सा हाथ, वो वाला हाथ अंदर, वो वाला हाथ थोड़ा सा यू, ठीक है चलो। छक्का मार के आया अभी, हैंग हो गया आलमीर। वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ये देखो आओ आओ जो बाइक बाद में चला, आ जाओ माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है बॉस, क्या बात है बॉस, मुझे भी स्टाइल सिखा देता हूँ। आप मम्मा के बराबर लगते हो, अभी आप करो बच्चों का शूट रह गया, मुझे लग रहा है कि घर पे अच्छा शूट हो गया और हमारा टाइम भी सेव हो गया, और ऑल थैंक्स टू शाहिद। BMW मेरे पास क्या है, हैं BMW तो क्या करो लाए, BMW मेरा जी साथ लेकर जा रहे हैं, मैं इस गाड़ी से आपके साथ साथ आऊंगा। ओके फ्रेंड्स तो मैं जा रहा हूँ फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बिजी डे होगा और बच्चे भी शूट करवाएंगे, तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ईद मुबारक वंस अगेन, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और इसको एंजॉय करें, अच्छे से खाने खाएं, थैंक यू। तो ये था हमारा ईद का तीसरा दिन, अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ, कमर फॉरेस्ट चले गए, मैं जाऊंगी अपनी अम्मी के घर क्योंकि इतना त्यार श्यार हुए हैं, तो ईद ही तो मनानी बनती है ना, ईद मनानी बनती है, ईद ही तो मिल गई जो मिली थी तो। लेकिन व्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक द वीडियो, लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, कच्चा दबाम, अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।